सीआईईटी एनसीईआरटी द्वारा प्रस्तुत है कक्षा 3 के छात्रों के लिए कार्यक्रम इंद्रधनुष। बच्चों, बहुत दिनों की बात है। एक था राजा, उसके पास था एक सुंदर सा रथ, खूब चमचम करता, चमचमाता हुआ 7 घोड़ों वाला, उसकी रोशनी चारों तरफ फैला करती। राजा उस रथ पर बैठकर सारे आकाश में उड़ा करता। जैसे जैसे रथ पड़ता जाता, सब तरफ रोशनी ही रोशनी फैलती जाती। एक दिन की बात है, वो घोड़े आकाश में उड़े चले जा रहे थे। उड़ते उड़ते उन्हें प्यास लगी। वो एक समुद्र के किनारे उतरे। वहाँ उन्होंने ढेर सारा पानी पिया। फिर क्या हुआ नानी? पानी पीकर घोड़े उड़ चले आकाश में। उड़ते उड़ते घोड़ों को फिर प्यास लगी। अब वो रथ एक नदी के किनारे उतरा। घोड़ों ने फिर खूब पेट भरकर पानी पिया। राजा ने रथ को फिर से चलाया। जानते हो फिर क्या हुआ? थोड़ी देर बाद घोड़ों को फिर प्यास लगने लगी। राजा ने अपना रथ एक तालाब के किनारे उतारा। अब घोड़ों ने वहाँ भी पानी पिया। फिर क्या हुआ नानी? बच्चों, गर्मी इतनी थी कि घोड़ों की प्यास बुझ ही नहीं रही थी। अब उनको जहाँ भी पानी मिलता, वो वहीं से पानी पी लेते। कहीं उनको बर्फ से ढके पहाड़ दिख जाते तो वो वहीं उतर जाते और बर्फ ही चूसने लगते और फिर आकाश में उड़ जाते। नानी, जब घोड़ों ने इतना सारा पानी पिया तो उनका पेट नहीं फूला? अरे हाँ हाँ, फूला बेटा, फूला। वे हांफने लगे। राजा ने उनको कितनी बार समझाया कि पानी मत पियो मत पियो, पर वो माने ही नहीं। वो पानी पीते ही गए पीते ही गए। उन्होंने इतना पानी पिया कि उनके पेट हाथी के पेट की तरह फूल गए। अब उनसे उड़ा ही नहीं जा रहा था। फिर उनका पेट फट गया क्या? अरे सुनो बेटा, सुनो तो सही, अभी बताती हूँ तुम्हें मैं। हाँ, अब वो घोड़े दुलकती झाड़ने लगे, धूल उड़ाने लगे। अब कभी पानी उनकी नाक में से निकलता तो कभी कानों में से तो कभी मुंह में से। घोड़े अब बिल्कुल बेकाबू हुए जा रहे थे। कभी कहीं पानी बरसा रहे थे तो कभी कहीं। नानी, फिर क्या हुआ? राजा को अब बड़ी फिक्र हुई। वो सोचने लगा, अगर वो इस तरह पानी बरसाते रहे तो धरती पर बाढ़ आ जाएगी। तब राजा ने पता है क्या किया? उसने अपनी एक रंग बिरंगी तीर कमान निकाली और चारों तरफ आकाश में फैला दी। पानी बरसना बंद हो गया। ये कमान 7 रंगों की थी। रंगों की तीर कमान? अरे नानी, ये कहानी इंद्रधनुष की तो नहीं? तुमने बिल्कुल ठीक पहचाना बच्चों, बिल्कुल ठीक पहचाना। ये कहानी इंद्रधनुष की ही है। जानते हो, वो चमचम चमकने वाला रथ सूरज का ही तो था और घोड़े थे सूरज की किरणें।
ये किरणें ही पीती थी पानी, नदी का, तालाब का, समुद्र का पानी। तुमने देखा है ना बच्चों, जब बहुत तेज गर्मी पड़ती है तो नदी तालाब का पानी भाप बनकर ऊपर उड़ जाता है ना। चम चम खूब चमकने वाला वो सूरज था घोड़ों वाला, घोड़े ही उसकी किरणें थी, वे किरणें ही पानी पीती। क्या वो नदिया, क्या वो सागर, क्या वो पर्वत, क्या वो गागर, धरती के कोने कोने से ये किरणें ही पानी पीती। क्या वो नदिया, क्या लेकिन नानी उन घोड़ों ने पानी बरसाना कैसे शुरू किया? अरे बच्चों, पानी की तो बन गई भाप और इसी भाप से बन गए बादल। राजा ने जो अपनी सतरंगी तीर कमान निकाली वो भला कहाँ से आई? अरे बच्चों, वो सतरंगी तीर कमान थी इंद्रधनुष। अरे नानी, ये तो हम पहले ही समझ गए थे, लेकिन ये इंद्रधनुष दिखलाई कैसे देता है? हाँ भाई, ये बात तो तुमने बड़ी काम की पूछी। वर्षा के मौसम में जब पानी बरसना बंद हो जाता है ना बेटा, उस समय भी हवा में पानी की बूंदें होती हैं। जब सूरज की किरणें इन बूंदों से होकर जाती हैं, तो ये सतरंगी इंद्रधनुष दिखलाई पड़ता है। Thank you.
अच्छा बताओ, भला इंद्रधनुष में कौन कौन से रंग होते हैं? लाल, लाल, गुलाबी और नानी कौन कौन से रंग होते हैं? दिखने को तो कभी तीन रंग दिखते हैं, कभी चार, पर असल में इंद्रधनुष में सात रंग होते हैं। सात? कौन कौन से सात? नीला, लाल, गुलाबी, पीला, हरा, बैंगनी और नारंगी। अच्छा बच्चों, अब तुम लोग बताओ कौन कौन से रंग होते हैं इंद्रधनुष में? नीला, लाल, गुलाबी, पीला, हरा, बैंगनी और नारंगी। हाँ, एक बार और बताओ ना। नीला, लाल, गुलाबी, पीला, हरा, बैंगनी और नारंगी। जानते हो बच्चों, आसमान में इंद्रधनुष कब दिखाई देता है? वर्षा होने के बाद सुबह शाम तुम इंद्रधनुष देख सकते हो। पर वर्षा तो कभी कभी रात को भी होती है नानी। हाँ, रात को तो इंद्रधनुष दिखाई नहीं देता। हाँ भाई, इंद्रधनुष रात को कभी भी दिखाई नहीं देता। अब पूछो क्यों? क्यों नानी? क्योंकि इंद्रधनुष बनता है वर्षा की बूंदों पर सूरज की किरणों के पड़ने से। सूरज की किरणें जब पानी की बूंदों से होकर जाती हैं, तभी इंद्रधनुष बनता है। हाँ हाँ नानी, हम समझ गए। रात को तो सूरज होता ही नहीं। हाँ, इसीलिए रात को इंद्रधनुष दिखाई नहीं देता। और इंद्रधनुष कब दिखाई देता है, अब ये तो तुम्हें मालूम हो ही गया। पर इंद्रधनुष में कितने रंग होते हैं ये भी याद है? हाँ नानी, नीला, लाल, गुलाबी, पीला, हरा, बैंगनी और नारंगी। प्रस्तुति CIET NCERT नई दिल्ली भारत।